दोस्तों फिर से स्वागत है आप लोग एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग बताऊंगा बिना किसी एप्लीकेशन कैसे आप अपने मोबाइल का जो फ्रंट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल के जो सेटिंग है वो ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये ऑप्शन सभी के मोबाइल में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। रेडमी रियलमी जो भी है वो आपके मोबाइल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले का वो ऊपर नीचा हो सकता है, ठीक है। तो वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और फिर भी आप लोगों को नहीं मिलता है तो दोस्तों ऊपर में राइट साइड आप लोग सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली वहाँ से भी सर्च करके आप डिस्प्ले डायरेक्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा फ्रंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट में जो आपका जो फ्रंट है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो जो चाहे वो यहाँ से आप लोग सेट कर लिया, ठीक है। दोस्तों उसके नीचे में आप लोगों को फ्रंट स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में फ्रंट स्टाइल आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो फ्रंट लेना चाहते हो वो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर तो यही फ्रंट आप लोग ज़्यादा मोबाइल में यूज होता है, ठीक है। दोस्तों ये सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फिर भी इससे अलग का आप लोगों को फ्रंट चाहिए तो आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सैमसंग के मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग किसी भी मोबाइल में कीजिएगा तो सेम प्रोसेस आप लोगों को करना है, ठीक है। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओपन क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके का जो फ्रंट है वो चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने मोबाइल के जो फ्रंट है वो चेंज कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।